नमस्कार, मेरा नाम रीना है और आप सभी का मेरे चैनल रीना कैटिंग में स्वागत है। आज मैं साबूदाना की एक यूनिक डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम खिचड़ी है। और इसको हम बनाने के लिए कढ़ाई का यूज़ लेंगे और ये बहुत ही हेल्दी बनता है और झटपट से बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को कुछ इस प्रकार कट कर लिए, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। अब हम इसको पानी से बाहर निकाल देंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले 1 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, घी डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम घी को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, 1/2 कटा हुआ अदरक, 1/2 चम्मच। हमने जो आलू को काट कर धो लिया था वो अब हम इसमें डाल देंगे। एक बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे से घुमा घुमा कर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे ताकि हमारा आलू अच्छे से पक जाए। लो फ्लेम पर हम अच्छे से पकने देंगे। हमने साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए 1 कप साबूदाना लिया है और अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। हम इसको पहले एक बाउल में डाल देंगे और इसके अंदर हम पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। अब हम इसको छन्नी की सहायता से छान लेंगे। हमने इसको अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे। इसको हम भिगोएंगे नहीं, हम इसको कुछ अलग प्रकार का बना रहे हैं इसलिए हम इसको भिगाएंगे नहीं। हमारा आलू पक चुका है। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। इसको मिला लेंगे। हमने इसको अच्छे से सेक लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 2 कप पानी डालेंगे, ये 1 कप और ये 2 कप। इसको हम अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे जो व्रत में खा सकते हैं। और अब हम इसको ढक्कन लगाकर अच्छे से पकने देंगे। देख सकते हैं अभी ये हमारा अच्छे से पका नहीं है। और अब हम इसमें मीडियम साइज के 2 टमाटर को हमने कुछ बड़े साइज में कट कर लिए हैं कुछ ऐसे, अब इसमें डाल देंगे। इसको टमाटर डालने से ये बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में स्वाद बढ़ जाता है। इसको हम अच्छे से, इसको भी हम पकने देंगे अच्छे से 2 मिनट।
अब हम इसको दूसरी बार खोलकर चेक कर लेते हैं। अभी हमारा ये अच्छे से नहीं पका है, इसको हम 2 मिनट और अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हैं जब हमारा ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका मतलब हमारा खिचड़ी बनकर तैयार हो गया है। तो अभी हमारा ये अभी अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, तो हम इसको अभी अच्छे से होने देंगे। अब हम इसको एक और बार खोल कर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छा हमारा खिचड़ी बनके तैयार हो गया है, साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। इस मूंगफली को हमने सेक कर छील कर और मिक्सी में क्रश कर लिया था। अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे, इससे ये और भी टेस्टी हो जाता है। और इसमें हमने 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हम इसमें हरा धनिया डाल रहे हैं बहुत सारा। हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, इसके डालने से हमारा खिचड़ी स्पाइसी हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डाला था। आप देख सकते हैं हमारा खिचड़ी बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही अच्छा बना है, हरा भरा बना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस खिचड़ी की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा ही होना चाहिए और इसको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। और ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आप देख सकते हैं हमारी व्रत में खाने वाली खिचड़ी बन के तैयार हो गया है। और ये जितना ही दिखने में सुंदर है, इससे कई गुना ज़्यादा खाने में टेस्टी है और ये बहुत ही हेल्दी है। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।